हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं फिर से एक न्यू व्लॉग लेके आ गई आप लोगों के पास। और आप देख सकते हो मैं आई हूँ मंदिर। ये राधा कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पे राम सीता जी भी है, राधा कृष्ण भी है और शिव पार्वती भी है। ठीक है, थोड़ा लेट से वीडियो स्टार्ट की जिसके लिए सॉरी। तो देखिए, ये शिव जी पार्वती, ये शिव जी है और नीचे पार्वती जी, गणेशा और कार्तिकेय वो लोग भी बैठे हुए हैं। ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति, ये दिल्ली की त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को जिसको भी आना है ज़रूर आना इस मंदिर में दिल्ली अगर आओ तो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ा यहाँ अभी गंदगी देख रहे होगे, ये गंदगी नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना कि सोमवार का दिन है ना आज, तो थोड़ा पूजा वगैरह हुई है तो जिसके कारण ज़्यादा ही फूल वगैरह गिरी हुई है, थोड़ा स्मेल भी आ रही थी। दूध तो डाला जाता है ना शंकर पार्वती जी ने, तो इसलिए थोड़ा सा स्मेल आ रही थी। लेकिन हाँ, अभी ऐसे तो नीट एंड क्लीन रहती है, बट आज थोड़ा मतलब सोमवार का दिन है इसलिए थोड़ा सही है दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए शिव जी का कितना बड़ा, कितना विशाल मूर्ति, देख के तो मैं दंग रह गई और एकदम बिल्कुल लग रहा था कि ये रियल है। मैं देख करके तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और ये देख सकते हो आप शिव जी, पार्वती जी, वहाँ गणेशा, ये सब है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये पार्क भी है। ठीक है, छोटा छोटा पार्क बना हुआ है, पार्क टाइप का। और ऐसे तो क्या है कि कहीं जाते हो तो बैठने का जगह नहीं मिलता, लेकिन यहाँ उस चीज़ के लिए तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। यहाँ बैठने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और आप कंटिन्यू रहो। देखो फ्रेंड, वो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो आप। मैं राधा कृष्ण के पास तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि इतना काफ़ी गर्मी है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। इतना ज़्यादा गर्मी, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है ऐसा लग रहा है, इतना गर्मी है। और आप देख सकते हो यहाँ छोटी छोटी घास भी है, इसमें चलने में बहुत ही मज़ा आ रही थी। थोड़ा आप देख रहे होगे कि थोड़ा दरी वगैरह, ये क्या कागज़ वगैरह गिरा हुआ है। तो ये अभी कांवड़ का टाइम है ना, सावन का टाइम है, तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ कांवड़ लोग आके रुके थे। शायद प्रोग्राम भी हुआ था, शायद बोल रहे थे सभी को, संडे को प्रोग्राम हुआ था, तो इसी के लिए थोड़ा सा ये है। ये देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा झरना टाइप का है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देख रहे हो ना, ये छोटा सा एक दुकान टाइप का था, उसके अंदर मैं वीडियो तो नहीं ले पाई, लेकिन उसके अंदर ना ज्वेलरी बोलती हूँ, ये भगवान जी का बहुत सारा मूर्ति वगैरह और बहुत कुछ मतलब मिल रहा था। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर फ्लावर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं वीडियो में ले ली थी। तो चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। और ये आप देखो, इसमें रोज़ गार्डन है, लेकिन रोज़ उतना नहीं है, देख सकते हो आप कितना गंदा है। ये कांवर लोग आए ना उसी कारण हुआ है शायद। और इधर आगे यहाँ पे जो पूजा हो रही है आप देख सकते हो, ये शिवलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे सभी कोई दूध डाल रहे थे, पूजा कर रहे थे, शाम का टाइम था। आई देखो राधा कृष्ण कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मुझे ही बहुत अच्छा लगा। और शाम का टाइम था ना, शाम का टाइम है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, वीडियो बनाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर,